छिंदवाड़ा राजस्थान में मैत्री सम्मेलन में देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और देश के बाहर से भी लोग आए हुए हैं। आप ये जो हमारे पास तीन सुंदरी सुंदरी ये जो है ये आई हुई है नेपाल से, जहाँ दिल्ली में मैं लोगों को बुलाती हूँ तो 1-2 किलोमीटर की दूरी तय करने में लोगों को कहते हैं कि बहुत दूर है और इतने दूर से ये आई हुई है। तो आप लोगों का स्वागत है हिंदुस्तान में सबसे पहले तो। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तीनों ही बहुत अच्छा गाना गाती है और आप लोग अभी सुनेंगे इनका गाना नेपाली में, तो आप दो लाइन हमें गाना एक सुनाइए कोई नेपाली। मैं एक नेपाली पहले शुरुआत करती हूँ। बताई देऊ तिम्रो माया को मूल्य कति छ, बताई देऊ तिम्रो माया को मूल्य कति छ, मेरो जीवन भन्दा कमिया मृत्यु जति छ, मेरो जीवन भन्दा कमिया मृत्यु जति छ, बताई देऊ तिम्रो माया को मूल्य कति छ, बताई देऊ तिम्रो माया को मूल्य कति छ। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ अंजलि पटेल। अंजलि जी, आपने जो गाना गाया वो जरा हिंदी में भी लोगों को समझा दे। हाँ, ये बोल रहा है कि बता दो मेरे प्यार का मोल कितना है। ओके, मोल कितना है। मेरे जीवन से कम है या मेरे जीवन से ज्यादा है, बता दो मेरे प्यार का मूल कितना है जी तुम्हारे लिए। जी, आप भी गाना एक सुनाइए हमें दो चार लाइन। पहले अपना नाम बताइए लोगों को। मेरा नाम पूनम मिश्रा और मैं काठमांडू से आई हूँ। काठमांडू से। मैं अपना एक गाना गाना चाहती हूँ जो मैंने ये जो छोटी छोटी लड़की जो होती है डॉटर्स, वो डॉटर्स सबके लिए गाई हूँ, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो एशियन कंट्री में डॉटर्स का वैल्यू कम है, तो उन लोगों के लिए जो मैंने गाना गाया मैं वो गाना चाहती हूँ। बिल्कुल। महु निश्चल को पिला ना टिप्नु पाप लागला, महु प्रेम प्रकृति को ना छुनु धर्म भागला, मेरो हास्ने बस्ने अधिकार, मेरो हास्ने बस्ने अधिकार ना खुश्नु। बहुत बढ़िया। आप भी जरा हिंदी में समझा दें हमें। वो ये बोलते हैं कि जैसे मैं तो एक थोड़ा नन्हा पौधा हूँ, फूल हूँ जो खिलना चाहती हूँ, तो मेरा अधिकार जो है ना, जो मैं जिंदा रहना चाहती हूँ उस जिंदा रहने दो, मुझे मत मारो, मत मारो। जैसे कि यहाँ पे वो कोखी में मार देते हैं ना, हाँ, तो ये सब मत करो मेरे साथ। और ये है सबीना जी। सबीना, आप इंग्लिश में भी बता सकती हूँ लोगों को अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो। ये सबीना जी सिर्फ एक श्रोता के रूप में आई है हिंदुस्तान, तो इनका तो खास तौर से स्वागत है। शुक्रिया आप सभी का। हाय कर दीजिए हमारे दोस्तों को। हाय, थैंक यू।